नस के पास पेपर में सवाल आया था, डिनोमिनेटर में 1 - 2x³ जिसकी पावर 2/3 ऊपर x² है, और हम इसको z मान लें तो dz मेरा ये हो जाएगा कि हमारी ये पावर नीचे गिर जाती है। 1 का डेरिवेटिव 0 है, -2 × 3x² जो कि हो जाएगा -6x². इसका मतलब है मुझे यहाँ पे -6 लाना पड़ेगा, तो यहाँ भी -1/6 लाना पड़ेगा। -1/6 इधर हो गया, z की और -2/3 dz, अब यहाँ पर हम जैसे कि इंटीग्रेशन में करते हैं, अभी z ही रहने दें, पावर में 1 प्लस कर दीजिए, नीचे भी हो जाएगा -2/3 + 1, -2/3 + 1 1/3 होता है, तो -1/6 यहाँ भी 1/3। और अब z की जगह z की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या थी भाई 1 - 2x³, 2/3 तो नहीं रही, पावर ऑफ 1/3 हो गई है इसकी, प्लस सी ऑफ कोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से कुछ कटेगा बिल्कुल जी, ये -1/2 रह जाएगा। तो ये तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या। एक और क्वेश्चन नस के टेस्ट में ही आया था, अब यहाँ पे फिर वही बात है, जेड उसको मानो जो कि पावर में दिया, सिंपल ये तरीका याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। अब डी जेड चाहिए, ऑफकोर्स इसका डेरिवेटिव डी एक्स हो जाता है, आप बोलोगे सर ऐसी तो कोई सिचुएशन हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। 1 अपने पास से ऐड भी करना पड़ेगा, ऊपर 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब देखो जो 1 + x है ये इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, x + 1 - 1 + x एक ही बात होती है सही में, -√1 + x के साथ भी आ जाएगा। अब मेरे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि ये पावर हाफ है, ऊपर पावर इसकी 1 है, ऊपर जाके माइनस होगी तो x + 1 की पावर हाफ रह जाएगी, और ये अपॉन में चल रहा है, अपॉन में है तो ये ऊपर आकर के 1 + x^-1 हो जाएगी। अब ये दोनों बड़े इंटीग्रेशन के बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, किसी चीज़ की पावर हाफ हो तो उसका रिजल्ट हो जाता है 2/3, और उस चीज़ पर पावर हो जाती है 3/2, -1/2 हो तो ये सिचुएशन हो, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये पावर आपके लिए है सबके लिए। तो मेरे भाई ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए नर्स के पेपर में इंटीग्रेशन के सवाल बहुत आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, एक एक करके मैं सारे करा रहा हूँ, मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं।